जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव जो है वो घोषित हो चुके हैं, और उसी संदर्भ से हिमाचल प्रदेश में भी 4 लोकसभा के सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी जैसा कि स्पेकुलेशंस लगा रही है, और भाजपा जो हमारा मुख्य विरोधी दल है, बार बार ये बातें कर रहे हैं कि हमने अपने कैंडिडेट जो है वो 2 जगह पे डिक्लेयर कर दिए हैं, 2 पे अभी हमने नहीं किए हैं, और कांग्रेस जो है डिले कर रही है। इस पर मैं आपसे बात करनी चाह रहा हूँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 15 महीने पहले बनी है, और एक बड़ा मैंडेट हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, और हमारी एक चुनी हुई सरकार हिमाचल में 15 महीने से चल रही है। जैसा घटनाक्रम आपके सामने राज्यसभा चुनाव के बाद आया, और जिस तरह की स्थिति भाजपा ने इनविजिबल तरीके से करने की कोशिश की है, और जिस तरह से वो सोशल मीडिया में एक कैंपेन करके कांग्रेस पार्टी के बारे में अनाप शनाप चीज़ें चला रहे हैं, उस बात का हमें दुख है। कांग्रेस पार्टी ने कब अपने कैंडिडेट घोषित करने हैं, इसके लिए हमें भाजपा से पूछने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा ऑपोजिशन में है, वो ऑपोजिशन में अपना रोल ऑपोजिशन का करे, ना कि कांग्रेस पार्टी ने क्या करना है और हमें कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए, इसमें हमें उनसे ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़। दूसरा, 6 सीटों पे इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित किया है, क्योंकि वहाँ पे 6 डिस्क्वालिफिकेशन हुई हैं 6 MLAs की। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये, सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला भी चल रहा है, इसमें शायद उसमें तिथि मिली है 6 मई की। उसके ऊपर ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, परंतु अगर ये चुनाव हुआ तो मैं आपको बताऊं कि उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, और 6 की 6 सीटें जो है विधानसभा की, अगर चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी, और लोकसभा की भी जो 4 सीटें हैं उसको भी कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी। और अभी बहुत जल्दी जो संगठन और सरकार के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई है हाई कमांड ने, समन्वय समिति, उसकी भी बैठक जो है बहुत जल्दी की जाएगी, और हम भाजपा की जन विरोधी नीतियाँ और भाजपा की जो ये सोशल मीडिया के कैंपेन का भी हम विरोध करते हैं। ठीक है, प्रजातंत्र में आपको हक होता है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को, लोगों को गुमराह करना, आए दिन ये बातें फैलानी कि इतना ये होने जा रहा है, इतना ये होने जा रहा है, इस कैंपेन के लिए भी हमें बड़ा दुख होता है। हम पूर्ण रूप से मजबूत हैं, हमारी सरकार मजबूत है, हमारे मुख्यमंत्री मजबूत है, हमारी कैबिनेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मजबूत है, हमारे MLAs मजबूत है। जिन लोगों से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई है, उसके बाद उनके ऊपर जो कार्य होना था वो विधानसभा अध्यक्ष ने किया है, और आगे क्या होना है ये फ्यूचर कोर्स की बात है, उस चीज़ को हम अलग रखते हुए, बाकी पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी हिमाचल में 4 सीटें जीतने का दावा करती है लोकसभा का। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। देखिए, अभी अगर वो लोकसभा की अभी सदस्य हैं हमारी PCC की प्रेसिडेंट, अगर उन्होंने कुछ ऐसी बात कही, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है, अगर वो नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा कभी हो सकता है कि आपके पास कैंडिडेट की कमी होगी या कोई और लड़ेगा नहीं? तो हमारे पास हर चीज़ का विकल्प है, हर चीज़ करने को हम तैयार बैठे हैं, परंतु उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा इसका मुझे ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि संगठन के लोगों को मान सम्मान नहीं मिला 15 महीने में सरकार से, और इस वजह से वो चुनाव मैदान में नहीं जाएंगे, क्योंकि MP फंड से चुनाव नहीं जीते जाते, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है, और कहा है कि नाराजगी लोगों में, तो ऐसे में चुनाव मैदान में उतरना मुश्किल है।
देखिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये, अब उनकी मैं अपनी राय बोलूँगा, मुझे तो नहीं लगता, मैं भी संगठन मंत्री हूँ कांग्रेस पार्टी का, कि कांग्रेस वर्करों के बीच कोई नाराज़गी चल रही है। कांग्रेस की सरकार ने 15 महीनों के अंदर ऐतिहासिक फैसले किए हैं। आप OPS का फैसला लीजिए, आप महिलाओं को पेंशन जो 1500 रुपये वाली स्कीम के बात कीजिए, या इतना बड़ा डिज़ास्टर जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उस डिज़ास्टर पर किस तरीके से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज ला करके हिमाचल की सरकार और मुख्यमंत्री ने, सब लोगों ने इस पे काम किया और लोगों को रिलीफ दिया है, और हर क्षेत्र में किसान है, चाहे वो एप्पल स्पोर्ट प्राइस की बात करो वो बढ़ाया है, दूध की कीमतें बढ़ाई है, 15 महीनों में जो जन कल्याण के लिए काम करने वो सरकार ने किए हैं। अब वर्कर्स कितने नाराज है, क्या है, ये बात तो वही बता सकती है, पर जहां अगर मेरी बात आप कहोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई दिक्कत है। असर भाजपा ने जो है दो टिकटें जो है अपने उम्मीदवार दो सीटों पर उतार दिया है, कांग्रेस अभी उतार नहीं पाई है, भाजपा ने आज से प्रचार भी चुनाव शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस कब तक जो है उम्मीदवार दे रही है? देखिए, हमारी, मैंने वही आपको बात बताई, अभी अंतिम फेज में हिमाचल का चुनाव होने जा रहा है, 1 जून को यहाँ वोटिंग होनी है, अभी समय काफ़ी है। अभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई है, एक बार अभी दोबारा होगी, और CEC में उसके बाद टिकट आवंटन का मामला जाएगा, और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में चारों लोकसभा के हमारे प्रत्याशी जो है मैदान में आ जाएंगे। भाजपा ऑपोजिशन में, उसको ये समझना चाहिए हम पोजिशन में, हमें कोई काहले मचाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हमने कौन सा काम किस समय करना है। अब जब हम ऑपोजिशन में थे तो हम भी ये करते थे, बोलते थे, पर भाजपा के हिसाब से तो हमने कैंडिडेट नहीं ना देने। अब भाजपा ने अगर देने थे तो चारों दे देते, वो दो किसकी वेट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्यों नहीं दिए उन्होंने दो तो उन्होंने दे दिए, वो भी कोई गणित बिठाने की फिराक में लगे हुए, तो ये हम भी अपना गणित बिठा रहे हैं, हमें जब ठीक लगेगा हम उतारेंगे। और 100% अगले कुछ दिनों में चुनाव शुरू हो चुका है, हमारे चारों लोकसभा के प्रत्याशी जो है मैदान में होंगे। उपचुनाव को लेकर आपने कहा कि तैयार है, तो क्या कैंडिडेट की तलाश शुरू हो गई है, क्योंकि कैंडिडेट भी आपके पास नहीं है, वो वहाँ से जो विधायक थे वो भी दूसरी पार्टी में लगभग जाने की तैयारी? नहीं, देखिए, अभी सब ज्यूडिस से मैटर, अभी ये अंतिम सर्वोच्च न्यायालय का वहाँ से कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने वो सीटों पे चुनाव कराने की बात कही है, पर उससे ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय, अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई ऐसा वैसा निर्णय आता है तो उसके बाद ही होगा, परंतु हम पूरी तरीके से तैयार है। हमने 15 महीने पहले सरकार भाजपा को और आया उसमें भी तैयार थे, आज भी तैयार है। 1500 को लेकर बीजेपी ने कंप्लेंट भी की है चुनाव आयोग में कि इस दौरान नहीं दी जा सकती है पैसे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, वायलेशन, अब फॉर्म भी रुक गए हैं, क्या लग रहा है? आप देखिए, भाजपा, आपकी बात को मैं बताऊं, भाजपा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जनता का फायदा हो सके वो नहीं चाहती। जब वो अपने सत्ता में थे 5 साल, तब उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर हम कुछ कर रहे हैं उसमें उनको तकलीफ है। उन्होंने किसानों के कोई ऋण माफ़ किए या कोई किसानों के लिए कोई काम किया पिछली 10 सालों में या 5 साल में जब यहाँ सरकार रही है, या कर्मचारियों के लिए कुछ किया, या OPS की मांग उनसे कितनी हो रही थी, कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। अब उनको लग रहा है कि महिलाओं का, अब ये चीज़ें तो उनको भाजपा को लोकसभा के चुनाव में जो जनता की अदालत है, सर्वोच्च जो अदालत है, वोट में जब तब्दील होगी तभी पता चलेगा। अगर हमारी माताएं, बहनों, महिलाओं को 1500 रुपये का जो हम जो हमारी जो गारंटी में था उसको हम देने की बात कर रहे हैं और दे रहे हैं, उससे भी उनको तकलीफ हो रही है, तो ये तो इनकी आप नीयत को समझ सकते हो कि ये क्या चाह रहे हैं। ये कुछ भी नहीं चाहते, किसी भी वर्ग का काम नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते कि हमारे युवाओं को कोई फ़ायदा हो, ये नहीं चाहते हमारे किसानों को कोई फ़ायदा हो, ये नहीं चाहते हमारे व्यापारियों को फ़ायदा हो, ये नहीं चाहते हमारे महिलाओं को फ़ायदा हो, ये नहीं चाहते हमारे कर्मचारियों को फ़ायदा हो। ये सिर्फ अपना झूठ का प्रोपोगंडा करके, साजिशें रच करके, अगर कोई स्टेबल लोग हैं उनको भी डिस्टेबल करने की कोशिश करेंगे। अब षड्यंत्रों से काम थोड़ी चलता है, लोगों के बीच रहना पड़ता है। अगर इन्होंने काम किया होता तो इनको रिपीट करना था जनता ने। आप